ऑफलाइन या ऑनलाइन एग्जाम्स को लेकर जो पिटीशन थी कोर्ट में, जो पिटीशन थी वो जो हमारे ऑफलाइन एग्जाम्स हो रहे हैं उनको रोकने के लिए लगाई गई थी। छात्रों की तरफ से कई याचिकाएं लगी थी कि कोविड से संक्रमण के कारण हम लोग नहीं दे पाएंगे, जो कुछ होगा इस वजह से वो लोग रोक लगाने की मांग कर रहे थे। लेकिन फिर माननीय कोर्ट ने निर्देशन दिया कि क्योंकि हम लोगों ने एक सर्कुलर कल जारी कर दिया था कि किसी कोविड के संक्रमण के कारण यदि कोई एग्जाम नहीं दे पाता तो सर्टिफिकेट प्रोडक्शन करने पर उन्हें दोबारा एग्जाम में बिठाया जाएगा। तो उनके जो छात्रों की तरफ से जो वकील थे उन्होंने ये बात रखी कि वो सर्टिफिकेट कैसे देंगे अगर वो नहीं आ पाए या कोई और कारण हुआ, तो कोर्ट ने उस दूसरे क्लॉज को डाइल्यूट कर दिया है माननीय कोर्ट ने। तो उन्होंने ये कह दिया कि आप इसको मतलब जो सर्टिफिकेट वो मैंडेटरी नहीं होगा। तो हम लोग भी इस बात से एग्री करते हैं और हमारी तरफ से भी इस बात का आश्वासन दिया गया था कि हम इसको मैंडेटरी नहीं बनाएंगे और उन कंडीशंस के साथ कोर्ट ने हमको कहा है कि हम लोग परीक्षा चालू रख सकते हैं। और ये छात्रों के भी हित में है बहुत डिसीजन कि यदि किसी छात्र को कोविड हो गया है या कोविड के कारण वो एक शहर से दूसरे शहर नहीं आ पाता या उसके फैमिली में किसी को हो गया है, तो किसी भी कारण से अगर बच्चा एग्जाम देने नहीं आ पाता तो दोबारा परीक्षा में अपीयर हो सकेगा। मोड को लेकर क्या था, क्या मोड तो ऑफलाइन ही हो रहा है, पूरे फिजिकल उसके साथ हो रहा है। और हम लोग अभी भी आज की पूरी परीक्षा अच्छी तरह हो गई, करीब एक शिफ्ट में तो 99% लोगों की अटेंडेंस थी, मॉर्निंग शिफ्ट में भी 97 के अराउंड थी अटेंडेंस, 97% के अराउंड थी। तो अभी मुझे लग रहा है पूरी हमारी परीक्षाएं ठीक से हो जाएंगी और बच्चों को भी जो कोविड से संक्रमित है उनको भी छूट मिल गई, वो भी चाहे तो क्या, वो क्योंकि संक्रमित है अभी नहीं दे पा रहे तो वो दोबारा दे सकते हैं। तो मैम ऐसे जो संक्रमित बच्चे हैं अभी या फिर जो अभी किसी भी कारण से नहीं दे पा रहे उनके लिए एग्जाम्स की डेट्स उनके लिए बाद में अनाउंस की जाएंगी, क्योंकि अभी आप लोग देख रहे हैं इसका फायदा इतना अच्छा है कि 99% तक बच्चे लोग हैं उनकी परीक्षा हो जाएंगी। तो जो थोड़े 1% या 5% बच्चे बचेंगे उनकी परीक्षा हम आसानी से दोबारा ले पाएंगे। हाँ, अगर आ रहे हैं तो थोड़ी सी और बढ़ जाएगी, पर मैं तो अभी भी कहूंगी जिन बच्चों को अगर कोविड संक्रमण नहीं है और वैसे भी ये बहुत ज्यादा हार्मफुल नहीं है, उतना घातक नहीं है जितना सेकेंड लहर में था, तो अब चाहे तो बच्चों को खुशी खुशी एग्जाम देने आना चाहिए। और फिर भी अगर वो किसी कारणवश नहीं आ पाते तो उनके लिए पुनः परीक्षा का आयोजन किया जाएगा।